हेलो फ्रेंड्स, मैं शब्बीर हुसैन एंड यू आर वाचिंग फिजियो टॉक। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं गैल्वेनिक करंट और फेरेडिक करंट के बीच की डिफरेंसेस के बारे में। हमने गैल्वेनिक करंट के ऊपर पहले ही एक वीडियो बना रखी है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, उस वीडियो पे काफ़ी लोगों ने कमेंट किया कि आप फेरेडिक करंट के ऊपर भी वीडियो बनाएं, और गैल्वेनिक करंट के बारे में भी लोगों के जो डाउट्स थे वो उस कमेंट सेक्शन में लोगों ने हमसे पूछे और उनको हमने क्लियर किया। तो अब हमने सोचा कि फेरेडिक करंट के ऊपर भी क्यों ना वीडियो बनाई जाए। तो आज की वीडियो में हमने दोनों ही करंट के डिफरेंसेस के बारे में वीडियो बनाई है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे गैल्वेनिक और फेरेडिक करंट के डिफरेंसेस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। दोस्तों, गैल्वेनिक करंट एक तरीके का डायरेक्ट करंट होता है, इंटरप्टेड डायरेक्ट करंट, और फेरेडिक भी एक तरीके का इंटरप्टेड डायरेक्ट करंट होता है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस ये होता है कि जो गैल्वेनिक करंट होता है वो लॉन्ग ड्यूरेशन का इंटरप्टेड डायरेक्ट करंट होता है, जबकि जो फेरेडिक करंट होता है वो शॉर्ट ड्यूरेशन का इंटरप्टेड डायरेक्ट करंट होता है। गैल्वेनिक करंट की जो ड्यूरेशन होती है वो होती है 100 मिली सेकेंड की, और जो फेरेडिक करंट की ड्यूरेशन होती है वो होती है 0.1 to 1 मिली सेकेंड की। अब बात करते हैं इंडिकेशंस की कि कब हमें गैल्वेनिक करंट यूज़ करना है और कब हमें फेरेडिक करंट यूज़ करना है। देखिए, गैल्वेनिक करंट हम यूज़ करते हैं डिनर्वेटेड मसल्स को स्टिमुलेट करने के लिए। फॉर एग्जांपल, फुट ड्रॉप हो गया, रिस्ट ड्रॉप हो गया। तो ऐसी कंडीशन में जहाँ डिनर्वेशन आ रहा हो, डिनर्वेटेड मसल्स को स्टिमुलेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं गैल्वेनिक करंट को। अगर आप डिनर्वेटेड मसल्स के अंदर फेरेडिक करंट को यूज़ करेंगे तो आपका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। तो सबसे बड़ा डिफरेंस है डिनर्वेटेड मसल का। अगर आप डिनर्वेटेड मसल्स को हैंडल कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको प्योरली यूज़ करना है गैल्वेनिक करंट। लॉन्ग ड्यूरेशन का होता है, इंटरप्टेड डायरेक्ट करंट होता है। तो अब बात करते हैं इसको और कहाँ यूज़ कर सकते हैं। देखिए, गैल्वेनिक करंट को हम यूज़ करते हैं जैसे स्मॉल जो मसल्स होती हैं, फेस की मसल्स हो गई। फॉर एग्जांपल, फेशियल पाल्सी, बेल्स पाल्सी के अंदर हम इस गैल्वेनिक करंट को यूज़ करते हैं। आपके जो भी मसल्स, स्मॉल मसल्स होती है जो डिनर्वेटेड हो गई होती है, वहाँ पर हम यूज़ करते हैं गैल्वेनिक करंट को। अब बात है कि भाई फिर फेरेडिक करंट को कहाँ यूज़ करेंगे। फेरेडिक करंट को हम यूज़ करते हैं मसल रीएजुकेशन के अंदर, मसल्स की स्ट्रेंथनिंग करने में, या जब हम कोई टेंडन ट्रांसफ़र करते हैं, जब कोई नई मसल्स को आपको ट्रेनिंग करनी होती है काम करने के लिए, तो उस जगह हम यूज़ करते हैं फेरेडिक करंट, जो कि शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है इंटरप्टेड डायरेक्ट करंट। शॉर्ट ड्यूरेशन का इंटरप्टेड डायरेक्ट करंट ये होता है फेरेडिक करंट, जो आपको मसल स्ट्रेंथनिंग में हेल्प करता है। जो लार्ज मसल्स एरिया होते हैं, कॉमनली जो लार्ज मसल्स ग्रुप होते हैं, जैसे क्वाड्रिसेप्स हो गई, इसकी स्ट्रेंथनिंग के लिए अगर आप यूज़ करेंगे करंट तो उसमें आप फेरेडिक करंट यूज़ करेंगे। तो कॉमनली यूज़ होता है लार्ज मसल एरिया पे, और जो गैल्वेनिक करंट है वो यूज़ होता है स्मॉल मसल्स पे जो इजीली टायर्ड हो जाती है, जैसे फेस की मसल्स। तो आप बेल्स पाल्सी और फेशियल पाल्सी में यूज़ करते हैं गैल्वेनिक करंट को। तो दोस्तों, आज की वीडियो में यही डिफरेंसेस हमने बताए आपको कि गैल्वेनिक करंट और फेरेडिक करंट के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं। गैल्वेनिक करंट लॉन्ग ड्यूरेशन का इंटरप्टेड डायरेक्ट करंट होता है, जबकि फेरेडिक करंट शॉर्ट ड्यूरेशन का इंटरप्टेड डायरेक्ट करंट होता है। गैल्वेनिक करंट को हम यूज़ करते हैं डिनर्वेटेड मसल्स के अंदर, जबकि फेरेडिक के अंदर हम फेरेडिक करंट को हम यूज़ करते हैं मसल रीएजुकेशन में और मसल स्ट्रेंथनिंग के अंदर। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बहुत शॉर्ट वे में हमने आपको बताया क्या डिफरेंसेस होते हैं गैल्वेनिक करंट के और फेरेडिक करंट के। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फिजियो टॉक।